मैंने एक टी शर्ट पर पढ़ा, वहां लिखा था वर्जिनिटी इज नथिंग बट लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो मुझे लगा कि अरे ये तो बहुत ही डीप फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, इसको ना मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल समझाता हूँ। इमेजिन करो कि सुबह ऑफिस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आपको पता है इंपॉर्टेंट है, रात को आप टाइम से चाहते हो सोना ताकि टाइम से पहुंच जाओ ऑफिस, लेकिन रात को मूवी देखने बैठ गए, इंटरेस्टिंग थी, देर से खत्म हुई, सुबह लेट उठे, लेट उठे तो ऑफिस लेट पहुंचे, सब वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, मिस्ड कॉल्स भी हैं। अब आपको सभी ना बहुत ही ऑनेस्ट इंसान मानते हैं, सभी आपको बहुत सिंसियर इंसान मानते हैं, अब आप क्या करोगे? अब आप अपनी ऑनेस्टी का परिचय देते हुए बताओगे कि सर रात को मूवी देख रहा था, लेट हो गया, या फिर आप बताओगे कि नहीं सर कि घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी? किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करोगे, एक ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम बहुत प्रचार करते हैं अपने बारे में, ऑनेस्ट हैं हम, जो बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन जब तक टेस्ट ही नहीं किया गया, टेस्टिंग के बिना कैसे पता चलेगा कि सच में ऑनेस्ट हैं या नहीं? तो इसीलिए थॉमस नेगल भी अब जब ये कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि इंपॉर्टेंट है टेस्टिंग करना, अदरवाइज ना एक एक्सीडेंटल जो आप जिंदगी जीते रहोगे, जिसमें आप जो मर्जी ग्रैंड स्टेटमेंट देते रहो कि मैं बहुत ऑनेस्ट इंसान हूं, मैं बहुत ही महान एक मॉरालिटी से भरा इंसान हूं, लेकिन जब तक टेस्टिंग ही नहीं हुई, जब तक सिचुएशन में नहीं डले, तब तक कहना बहुत मुश्किल है। तो क्या लगता है दोस्तों आपको कि सच में क्या वर्जिनिटी इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, और या ये एक मैटर ऑफ प्रिंसिपल है?